आज मैं आपको तीन मेथड बताने जा रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन करने के स्टॉक में। आप पहला मेथड है एक्सेल वाला, जिसके अंदर कंप्यूटर से डाउनलोड किया और सिस्टम को मैं एक्सेल में ही बता दिया कि वो स्टॉक एक्चुअली मिला या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, ज़्यादा मिला, कम मिला। ओके, अपलोड किया। अपलोड करते ही सिस्टम के अंदर अप टू डेट, अप टू द मिनट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा सामान खो गया है, कौन सा सामान मिल गया है, कितनी रिले मिसिंग है। जिसका स्टॉक बढ़ना है बढ़ जाएगा, जिसका घटना है घट जाएगा। ये वाला एक्सेल वाला मेथड आपको साथ साथ करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर चीज़ को अपलोड करने में 1 सेकंड लगता है और पूरी प्रोसेस करने में मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट लगता है। डन। इसके बाद आता है मेथड नंबर दो। मेथड नंबर दो है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अपने बारकोड स्कैनर को, गन स्कैनर कहते हैं इसको, अटैच कर दिया और अपनी रीलों के चारों तरफ घूमते रहे और उनको सिर्फ स्कैन करते रहे। देखिए, दो तो उधर तीन तीन फुट दूर से आप उसको स्कैन कर सकते हैं, और अगर आपके कंपनी के ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, रिपेयर वाले सारे लग जाएँ तो 1 घंटे में पूरी फैक्ट्री को आप स्कैन कर सकते हैं। और आप स्कैन करते जा रहे हैं, उसी सेकेंड अपडेट होता जाएगा और कंप्यूटर को पता है कौन सी रील की अटेंडेंस में प्रेजेंट सर हो गया और किसका एबसेंट सर हो गया। और तीसरा मेथड आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने अपने टैब के साथ या कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ वाले स्कैनर को लगा दिया। अब आप देखिए, 5-10 मीटर दूर से भी सिर्फ स्कैन कर रहे हैं और साथ साथ अपडेट होता जा रहा है। अपडेट 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 अपडेट, नीचे टैब आप देख रहे हैं, उसके ऊपर खट 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 अपडेट होता जा रहा है कि उसने क्या क्या अटेंडेंस ले ली। जैसी अटेंडेंस होती है, उस रील, उस बैच, उस बारकोड को टिक कर देता है सिस्टम कि हाँ जी, इसकी अटेंडेंस हो गई, और जो नहीं मिला भाई साहब, मिसिंग है, मिसिंग है, तो उसको ढूंढ के लाओ। अब एक खास बात, आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके हैं ना? अगर हाँ, वेरी गुड। अगर नहीं तो प्लीज़ कर लो, आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। जिस काम के लिए लोग हफ्तों हफ्तों वेट कर रहे होते हैं कि कोई लिस्ट बनाएगा, कोई उसे अपलोड करेगा, कोई उसे चेक करेगा, क्या जरूरत है सब करने की? आपका सब रेडी रखना है, आपके पास स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, आप डाउनलोड करो, उसमें आइटम कोड भी है, आपके पास रील नंबर्स भी हैं, उसके सामने बस टेम्पलेट में उसको इंसर्ट कर दो, दैट्स इट। दैट्स इट, सो सिंपल। एंड डू इट डेली और एटलीस्ट वीकली। आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया सुमित हमारे पास, जिसमें कस्टमर ने कहा कि भाई अभी मंथ खत्म हुआ है, आज जैसे 1 अगस्त है, तो 31/7 का उसने फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया। अब उसका उसने कहा कि सर मैं फिनसेस में कैसे अपडेट करूं? जी, तो उसके लिए एक चैलेंज था यार, मैं कैसे करूं? शायद आपने सिखाया होगा, मैं भूल गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी हम एक छोटी सी वीडियो बनाएं ताकि आप इसको रिप्ले कर करके समझ सकें। जी, इसमें हम अपनी बात भी समझाएंगे और अपना स्क्रीन डिस्प्ले करके भी आपको बताएंगे ये कैसे हो सकता है। ये बहुत आसान है, ऑटोमेटिक है, और आप इसे रोज़ कर सकते हो। रोज़ 100 आइटम की चेक करो, हर हफ्ते 1 कमरे की चेकिंग करो, ताकि ओवरऑल आपको पता हो कि हाँ जी, मेरा स्टॉक अब एक्चुअल होता है, जो डिफरेंस है। हर हफ्ते मेरे बंदों को ठीक करना आता है, वो ठीक कर सकते हैं। अब कभी भी ऑडिट होगा, चाहे बैंक का ऑडिट हो, चाहे GST ऑडिट हो, इनकम टैक्स ऑडिट हो, चाहे मेरा अपना ऑडिट हो, मेरी स्टॉक ठीक निकलेगा, रीजनेबल निकलेगा। एंड उसके बेस पे मैं जो परचेज प्लानिंग करूंगा, प्रोडक्शन प्लानिंग करूंगा, स्टोर इशू करूंगा, ठीक करूंगा। ठीक है, सो अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सुमित, स्क्रीन शेयर से पहले तुम कुछ बताना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सेम यही, रैंडमली बेसिस पे रोज के रोज भी कर सकते हैं। हमने बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीका बनाया है सिस्टम में कि आप कैसे उसको अपलोड कर सकते हैं। एक बार आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, बैच वाइज आप अपने आइटम्स को दोबारा से सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं, करेक्ट वे में हो जाएगा आपका बुक्स वर्सेस फिजिकल। बैच वाइज का क्या मतलब हुआ? कि जैसे कि चाहे आप बारकोड यूज़ करते हैं तो वो बारकोड बैच है, अगर आप रील्स यूज़ करते हैं, आप कॉरुगेशन में हैं, आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हैं, तो रील्स का जो बारकोड है, रील की जो रील नंबर है, वो बैच है। अगर आप प्लास्टिक मोल्डिंग में है, रबर मोल्डिंग में है, तो आपके जो प्रीमिक्सेस या मास्टर बैचेस आ रहे हैं, उनका बैच है। तो जो भी आपका यूनिट है, तो इंस्टेड ऑफ एक एक यूनिट की वेरिफिकेशन, वो तो बहुत आसान है, हम उससे कॉम्प्लेक्स और उससे बेटर ट्रेसिबिलिटी के साथ क्या सिस्टम होना चाहिए, हम उसको आपको बता रहे हैं। ये हम नॉर्मल अपने स्क्रीन के डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे हमने अपना लॉगिन करना शुरू किया। मैं फ़िलहाल एक डेमो के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन हो गए अपने सॉफ्टवेयर में और हम यहाँ से गए हमारे इन्वेंट्री मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल की प्राइम रिपोर्ट्स, प्राइम रिपोर्ट्स में हमारा नॉर्मल बैच वाइज स्टॉक यानी रियल वाइज स्टॉक। मैंने कहा आइटम स्टॉक वाले चाहिए, सारे चाहिए, हाँ जी स्टॉक वाले दे दो, क्योंकि हम उन्हीं का कर रहे हैं, बाकी आप ऑल भी ले सकते हो, उससे आपको नॉन एम्प्टी आइटम कोड्स भी आ जाएंगे जिनमें स्टॉक था अब ख़त्म हो गया है। इसके अंदर देखिए, मेरे पास आइटम का ग्रुप, उसका नाम, उसका जो आइटम कोड है, उसका अगर कोई ये असली चीज़ है, उसका मेरा रील नंबर, उसका मेरा फिनसेस रील नंबर आ गया, फिनसेस रील नंबर आ गया। एंड इसका अगर को रील नंबर, उसका अगर कंपनी रील नंबर भी कोई है, मतलब जिस वेंडर से वो आ रहा है, वेंडर ने कोई रील नंबर दे रखा है, वो रील नंबर भी आ जाएगा। और बाकी चीज़ें भी आ गई कि भाई कितनी पुरानी है,
इसकी लोकेशन क्या है, इसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमें डेटा यूज़ करना है जी। तो अब हम इसको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते हुए या तो हम एक्सेल में ले जाएंगे या सीएसवी में ले जाएंगे। सीएसवी में ले जाएंगे तो हम कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे। यस, तो सीएसवी में ले जाना बेटर होता है। हमने इसे एक्सपोर्ट कर लिया डाउनलोड, यस ये डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को हम खोलते हैं, ये फाइल हमारी एक्सेल के अंदर खुल गई। देखिए अब इसमें से ना हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम आइटम के कोड्स पिक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आइटम का क्लोजिंग बैलेंस पिक कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक टेम्पलेट में इस फाइल को लेकर जाना है, उस टेम्पलेट के अंदर हमें ये आइटम कोड्स और ये क्लोजिंग बैलेंसेज लेने हैं। हम यहाँ से लॉट नंबर भी ले सकते हैं, हमारा लॉट नंबर भी, हमारा रिटेल नंबर या हमारा बैच नंबर, हम कुछ भी कह सकते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली कंपनी या सामने वाले वेंडर का जो रील नंबर है वो भी हम यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पस है फिजिकल वेरिफिकेशन करना, जिसमें हमें कंप्यूटर को बताना है कि जो हमने वेरिफिकेशन किया उसमें एज पर कंप्यूटर कितना स्टॉक आ रहा है और फिजिकली तुमने जब चेक किया कितना आया, ठीक है। तो अभी एक टेम्पलेट है जो जिसके अंदर आप हम इस डेटा को पेस्ट करेंगे और फिर वो कैसे क्लिक टू अपलोड होता है वो आपको बताएंगे। आप एक एक ग्रुप करके कर सकते हैं, एक एक सब ग्रुप करके कर सकते हैं, एक एक कमरा करके कर सकते हैं, आप जैसे भी करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए हमें, हमने एक अपने रेफरेंस पर्पस के लिए फाइल का तो आउटपुट ले लिया कि हमारे लॉट वाइज क्लोजिंग बैलेंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हमें अगर किसी का लॉट ठीक करना है तो हमें आपके सिस्टम में दोबारा से इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाना है और इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर हमें फिजिकल के ऑप्शन पे जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। इन्वेंट्री मॉड्यूल में गए, आप इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाइए, आप इन्वेंट्री के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन मेन्यू में आइए। ओके, पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन कितना लंबा चौड़ा मेन्यू है हमारा। ओके, सबसे ऊपर आरएम स्टॉक फिजिकल रिकॉर्ड में जाएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जाने के बाद हमें एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करनी है, जो भी टेम्पलेट बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये दबा के हम टेम्पलेट कर लेंगे। अभी आपने दबाया तो आपके भी उस डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा, ठीक है। वेरी गुड, आइए अब देखें जरा से टेम्पलेट फोल्डर में क्या फाइल बनती है। इस तरह की फाइल है, इस तरह से फाइल बन जाती है। इस फाइल को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर इस फाइल को एम्प्टी कर लीजिए, एक ये टेम्पलेट फाइल है। हाँ, ये लीजिए, मैंने इसको लेटर से अभी पढ़ रहने दिया, चलिए पढ़िए, ठीक है। नीचे बाद में अब आप उस आउटपुट फाइल पर आ जाइए जहाँ से आपने आउटपुट फाइल डाउनलोड किया था, जहाँ पर आप अपने लॉट वाइज क्लोजिंग बैलेंस देख रहे थे, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये वो फाइलें हैं जो अभी हमने डाउनलोड करी थी, एक सीएसवी एक एक्सेल, ठीक है। अब इसमें से कोई भी फाइल में हमने मान लीजिए सीएसवी फाइल खोल ली जी और बुक का स्टॉक पिक करके हम इस टेम्पलेट में डालेंगे। हाँ, इसमें क्या क्या उठाना है भाई साहब? अब इसमें से हम आइटम का कोड पिक कर लेंगे एंड लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप एक इसमें आइटम कोड सर्च करिए 070 आइटम कोड 07 यही 07 वाली कोई उठाऊँ? हाँ, रील्स होती है हमारी पेपर की 07 में, तो आप 7 वाली भी उठा सकते हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं जिसका आप एक्चुअली में कर रहे हैं। लेटर से मैं ये वाला हिस्सा उठाता हूँ, आप कोई भी उठा लीजिए। ये 5 आ गए, 7 पेपर रील्स आ गए जी, ले लूँ ये? आप कोई भी ले सकते हैं। इनके आइटम के मैंने ये कोड ले लिया, ये आइटम के कोड्स हैं, आप आइटम के कोड्स पिक कर लीजिए, साथ में आइटम के रील नंबर भी हमें लेने हैं। मैंने आइटम के कोड ले लिए भाई साहब। हाँ, ऊपर वाला हटा दीजिए, फर्स्ट रो हटा दीजिए, वो एग्जांपल के लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें लॉट नंबर में क्या डालना है भाई साहब? लॉट नंबर में जो आपकी कंपनी का लॉट नंबर जो ऑटोमेटिकली बना था जब आपने इनका इन किया था, मैम एमआरआर बनाई थी सिस्टम में, तो वो लॉट नंबर ऑटोमेटिकली आता है, तो ये ऑटोमेटिक लॉट नंबर आपको ये लॉट नंबर ले लिया हमने जो फिनसिस में जी, कंपनी योर रील नंबर है जी, ये योर रील, ठीक है सर, हो गया। देन अगेन व्हाट इज द बुक स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस इज द बुक स्टॉक, ये बुक स्टॉक है भाई साहब, बुक स्टॉक ले लीजिए, बुक स्टॉक ढूंढ लिया। ये पुराने बिट रील्स हैं इसलिए छोटे छोटे आ रहे हैं, किसी और सिचुएशन में बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है सर, आगे क्या होएगा? अब यहाँ पर एक्चुअल जो आप फिजिकल कर आए हैं, ओके, एक्चुअल स्टॉक क्या बोलता है? एक्चुअल स्टॉक भाई साहब इसमें कुछ नहीं मिला मेरे को भाई साहब, ये सारे खत्म थे, और ये भाई साहब मेरा 500 किलो का स्टॉक था, पिछली बार रख लिया होगा सर, ये तो खप गया सर, ये सब खप गए, और ये एक 500 किलो का है सिर्फ, मैंने एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ सर आप लोगों को, ठीक है। ये भी हमने दिखाया कि भाई ये सारे जो लॉट्स हैं ये तो पुराने पुराने बिट रील्स थे जो इस बार इस साल खप चुके, खत्म हो चुके, मिल भी नहीं रहे, खप गए, कबाड़ में बेच दिए, है ना, गलती होगी जो भी होगी। तो अब अभी हमें यहाँ पे डिफरेंस लगाना होगा, डिफरेंस बनाना है हमने, दिस माइनस दिस जी, तो ऐसे हो जाएगा सर जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो इसके अंदर भाई साहब आपका एक 1200 किलो की रील है, अभी वो छोटी भी हो सकती है जी, है ना, 1200 किलो का 300 बचाया जी, 350 किलो का गुल्ला पड़ा है या 50 किलो का गुल्ला पड़ा है, ये भी हो सकता है। एंड दूसरी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि लोगों ने स्टॉक जीरो मान रखा है बट 250 किलो का हमें मिल गया हमें जो कंप्यूटर के हिसाब से जीरो था, एंड कम बढ़ती कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये वेरिफिकेशन आप हर रोज एक बैच का करें, एक कमरे का करें, एक रैक का करें, एक बीएफ का करें, तो 5-10 आइटम्स का हर करना चाहिए, होना ही चाहिए, करेक्ट।
अब यहाँ पर आप और भी इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं, वन टाइम ही अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि स्टॉक की लोकेशन क्या थी, तो लोकेशन भी डाल सकते हैं। ये जो मेरे पास स्टॉक बचा ये 500 किलो वाला, इसका मैंने वो है ये ग्राउंड फ्लोर में 008 वाले सेक्शन में मेरे पास रखा हुआ है, तो ये लोकेशन लोकेशन में जाके फीड हो जाएगा। ठीक है जी, आइटम नेम की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमने आइटम कोड ले लिया है, मैप हो जाता है। बाकी अगर चाहिए तो यहाँ से आप आइटम का नाम यहाँ ही उठा सकते हैं, डाल सकते हैं। दिस इज जस्ट, ये नाम आपने उठा लिया, ये मान लीजिए ये नाम है, ये आपने उठा लिया, ये अपलोड नहीं होना, ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली की है, आपको अपने देखने के लिए है। हाँ जी, फिर आप रील नंबर, अगर वेंडर का रील नंबर भी आपके पास है तो आप वो भी सिस्टम में डाल सकते हैं। मान लीजिए ये वेंडर का रील नंबर है, वेंडर का रील, वेंडर ने जैसे मान लो MWV का ये नंबर था जी, ठीक है, तो जिसमें जो रील नंबर था, तो जो ख़त्म हो गए उनमें तो कोई चिंता नहीं है, बट जो बचा है उसके अंदर मैंने इस नंबर को डाल दिया, बाकियों में तो जुड़ती नहीं है, वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे। इनकी मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर और जो ऐसे आइटम्स होते हैं शेल्फ लाइफ वाली आइटम्स के लिए होता है, एडहेसिव्स होती हैं, इंक्स होती हैं, उनमें भी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए ये डालने में मदद मिलती है, बहुत फायदे की चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपका टेम्पलेट इज रेडी, टेम्पलेट इज रेडी, अब इसमें जो चीज़ें नहीं है नीचे आप उसको हटा सकते हैं, जैसे कुछ आपने नेम नहीं डाले, वैसे तो आप आइटम नेम हटा भी देंगे तो भी सिस्टम बहुत इंटेलिजेंटली उसको आइटम कोड से पिक कर लेगा। मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, सफाई हो गई जी, ठीक है, आपकी तरफ से डेटा मेरा रेडी है, डेटा रेडी है, बस आप इसको सेव एज करिए CSV और इसको अपलोड कीजिए, बस सेव, ये ऑलरेडी CSV में CSV है, तो इसको मैं इस बार ट्रायल V2 भी कर देता हूँ, V2 भी कर दिया सर। अब आप ERP में आ जाइए, ओके कर दिया, मैंने बंद कर दिया और चेंज सेव करके ये भी बाहर निकल गया सर। ट्रायल लॉट को भी आप पहला जो ट्रायल लॉट था उसको हटा दो वहाँ से, फर्स्ट रो जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर रखी थी, ठीक है, ओके, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल सेक के लिए था, व्यूवर्स को समझाने के लिए। इट इज़ वेरी सिंपल, अपने हाथ से करेंगे तो बहुत जल्दी करते जाएंगे इसको। देखिए मैं अपने एप्पल के ऊपर काम कर रहा हूँ और फिनसिस किसी भी तरह से इसमें फर्स्ट क्लास मेरे को मदद करता है और ब्राउजर बेस्ड है, किसी भी एडिशन पे। जहाँ से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था आप उसी स्क्रीन के ऊपर है, ओके, यस, ठीक है, यहाँ पर आपने न्यू का बटन प्रेस किया, ओके, न्यू दबाया, देन डेट आ गया, इंपैक्ट का डेट कब से, ये जो स्टॉक आप अपलोड कर रहे हैं उसका इंपैक्ट कब से आएगा। आमतौर पे आपको सेम डे वेरिफिकेशन करके सेम डे अपलोड कर देना चाहिए, उसी टाइम कर देना चाहिए, इसीलिए हम तो कहते हैं एक बार में एक एक रैक का करो, पूरी कंपनी का करोगे तो 4 दिन तो लगाने में कर दोगे, 4 दिन एक्सेल बनाने में कर दोगे, 4 दिन अपलोड करने में कर दोगे, 4 दिन वेरीफाई करने में कर दोगे, तब तक फैक्ट्री नहीं चलाओगे क्या, 12 दिन में तो माल उठ के निकल जाएगा, तो स्टॉक कभी आपका ठीक हो ही नहीं सकता, आप परेशान हो जाओगे। तो बेटर है एक बार में एक कमरे का करो, 10-20-50 रिलीज करो, एक वैरायटी करो, अपलोड कर दो, खत्म, नेक्स्ट पे चले जाओ। हाँ जी सर, क्या करूँ, चूज फाइल, इसमें वही स्टॉक में डाउनलोड्स में ये, इसमें ये V2, अरे वाह, ये मेरी 29 फाइलें एक बार में इंपोर्ट हो गई, और आप इसको सेव, बहुत बढ़िया, और सिस्टम कह रहा है बुक स्टॉक ये था भैया, एक्चुअल स्टॉक ये है, इसमें एक आइटम बचा है, उसका ये कंपनी रील नंबर है और ये बाकी इन्फॉर्मेशन है, रेडी है, टनाटन फर्स्ट क्लास, और ये सेव, तो जो हटने थे हट गए, जो आने थे आ गए, आर यू श्योर, यस सर आई एम श्योर, अमेजिंग, ये हो गया आपका, और ये देखो जी स्टॉक एंट्री, स्टॉक रिपोर्ट से जाके चेक भी कर सकते हैं। कहाँ से निकलेगा भाई साहब, बस भाई वापस हमें प्राइम रिपोर्ट्स में जाना है, इन्वेंटरी के प्राइम रिपोर्ट्स, ओके, इन्वेंटरी में गए, इन्वेंटरी में प्राइम रिपोर्ट्स में, बैच वाइज रिपोर्ट्स, प्राइम रिपोर्ट्स में बैच वाइज रिपोर्ट में गए, हमने कहा विद स्टॉक देखना है, यस सर, और मुझे आज का दिखाओ, ओके, क्या था, या फिर आप कंपनी रील में जाइए, वहाँ पर एक ही आइटम था, MWC का कंपनी रील नंबर बनाया था, तो आप यहाँ पर MW लिख दीजिए, MW आपका आइटम, अरे वाह, अरे जियो, लोकेशन भी आ गई इसकी, लोकेशन भी आ गई, क्या बात है, क्या बात है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक देखिए 500 बन गया, कि जो ओपनिंग था उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होना है वो भी उसी बटन में हो गया, उसी सेकंड में हो गया, अमेजिंग अमेजिंग, और आपको ये करना चाहिए, आप कर सकते हैं। बैचेस हमारे कंप्लीट हुए, खाली हुए, वो कैसे खाली हुए उनको भी जरा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सिस्टम कहते हैं कि सिर्फ विद स्टॉक चाहिए, विदाउट स्टॉक भी चाहिए, मैं कहा जी सारे आइटम दिखा दो, विदाउट स्टॉक वाले भी दिखा दो, कब से कब तक चाहिए, आज तक का चाहिए, ओके जी दिखाओ, ये मेरे पास फिर से वही रिपोर्ट बन के आ रही है, और इस बार हम फिल्टर कर लेंगे इसे इस वाले कोड पे, ये 701 वाला कोड था ना, तो इसके ऊपर ज़रा फिल्टर करते हैं इस रिपोर्ट को, रिपोर्ट बन के आ गई और मैंने कोड में डाला ये कोड, और ये लो जी ये कोड आ गया, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, देखो ये वाली आइटम मेरे को दिख रही है, ये वाले में तो देखो स्टॉक बढ़ के 500 हुआ, और इन सारी आइटम्स में जो ओपनिंग था वो उस एक झटके के अंदर ही स्टॉक ख़त्म हो गया और मेरा क्लोजिंग 0 हो गया, डेट्स इट, डेट्स इट।
ये वही देखो छेछे वाली आइटम भी आ गई, ये 250 वाली आइटम भी आ गई, जो जो मैंने किया वो हो गया। 250 वाली आइटम भी देखिए, ये तो 245 246 वाला बंडल था, ये भी देखिए जीरो हो गया। माई स्टॉक इज डन, इट इज़ सो गुड, सो सक्सेसफुल एंड सो फास्ट। एंड आप ये खुद कर सकते हैं, एक एक आइटम करके भी कर सकते हैं, एक एक सब ग्रुप करके, एक एक ग्रुप करके, एक लोकेशन करके, एक BF करके, एक डैकल करके, जो करना है आप कर सकते हैं। तो सुमित, इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने इस काम को सक्सेसफुली कर लिया। एंड ये एक्चुअल टाइम कितना कितने सेकंड का, अगर हम अपनी कन्वर्सेशन को हटा दें तो शायद 30 या 35 सेकंड्स जिस काम के लिए लोग हफ्तों हफ्तों वेट कर रहे होते हैं कि कोई लिस्ट बनाएगा, कोई उसे अपलोड करेगा, कोई उसे चेक करेगा, क्या जरूरत है सब करने की। आपके पास सब रेडी रखना है, आपके पास स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, आप डाउनलोड करो, उसमें आइटम कोड भी है, आपके पास रील नंबर्स भी हैं, उसके सामने बस टेम्पलेट में उसको इंसर्ट कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट, सो सिंपल। एंड डू इट डेली और एटलीस्ट वीकली, डेली और वीकली। आप एक्चुअली मोबाइल फोन से भी स्कैन करके भी कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इवन आप सिंगल आइटम का सिंगल बैच भी अपलोड कर सकते हैं इसके थ्रू, ये नहीं कि हजारों आइटम भी कौन कर बैठेगा, आपको एक आइटम में डिफरेंस मिला, इमीडिएटली कर दो ना, जाओ कर दो, कदम कहानी कदम। और आपको एक्चुअली अगर मान लीजिए आपके यहाँ संडे या कोई वीकली ऑफ होता है तो उस दिन आपको एक्चुअली स्टॉक टेकिंग रेगुलरली करनी चाहिए, एक एक बैच की, एक एक कमरे की करनी चाहिए और उसको साथ साथ ख़त्म करते जाना चाहिए। अगर हर रोज़ कर दो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ बेस्ट कि सारा स्टॉक बैच वाइज मेंटेन हो, सिर्फ आप RM के अलावा जो हमारे कंज्यूमेबल्स भी आ रहे हैं, जो BOPs भी आ रहे हैं, वो भी बैच वाइज ही सिस्टम में मेंटेन होने चाहिए। तो सुमित, फिनिश गुड्स के लिए क्या करना होगा? सेम इसी तरीके से हम स्टॉक रिपोर्ट से फिनिश गुड्स का फॉर्मेट भी सेम, टेम्पलेट भी सेम, स्क्रीन भी सेम, अपलोड भी गोइंग और ओके भी सेम, एवरीथिंग रिजल्ट भी सेम, एवरीथिंग बिल्कुल सेम है। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल मेथड जो भी हमने कहा, आप किसी भी मेन स्टोर के आइटम को, चाहे वो कंज्यूमेबल हो, आपका रिपेयर मेंटेनेंस आइटम्स हो, रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, अगर बैच वाइज आप कर रहे हैं तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करिए, सारा एक बार में हाथी मत चढ़ाइए, नहीं चढ़ेगा, चढ़ तो जाएगा बट वो लिस्ट ही फाइनल नहीं होएगी, तब तक तो स्टॉक इशू हो जाएगा भाई। वेरीफाई करना होता है एक बार स्टॉक चढ़ाने के बाद, तो फिर और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम जल्दी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। और दूसरा मेथड है हमारा एंड्रॉइड फोन से बारकोड बेस्ड स्कैन करके physical, उसको फिजिकल वेरीफाई करने का अप टू द मिनट। जैसे एक सुपरमार्केट के अंदर इनवॉइस होता है, आपको साबुन तेल भी खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, वो स्कैन करके उसका इनवॉइस उसी सेकंड बन जाता है। उसी तरह दूसरा और तीसरा मेथड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, स्कैन किया अटेंडेंस हो गई, स्कैन किया अटेंडेंस हो गई, तो बारकोड वेरिफिकेशन, ये तो जानना चाहते हैं कि माल था या नहीं था। तो आपको जो जो माल दिखता जाए उसको सिर्फ स्कैन करते जाओ, स्कैन कर दिया, अटेंडेंस हो गई कि माल है या नहीं है। इस सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं तो तुम्हारा ये लोकेशन भी स्टैक हो गया। सेकंड कि इंक के आइटम का हाउ यू विल फिजिकल वेरिफिकेशन और लोकेशन स्टैक और बाय QR कोड स्कैनिंग, तो हम किस तरह फिजिकल भी ले सकते हैं, लोकेशन कर सकते हैं, फर्स्ट शो द लोकेशन, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, इसके बाद RM स्टैकिंग, न्यू सेलेक्ट लोकेशन, गो टू लास्ट स्टोर लोकेशन, ये रहा स्टोर रूम, स्कैन। अब कुछ नहीं करने का, स्कैन करने का है, सिर्फ तुमको QR कोड स्कैन करने का है, इंक का दूसरा वाला करने का है, एक आ गया, दूसरा आ गया और सेव करने का। वीडियो में इस वक्त जो स्टोर वाले हैं वो इंक को वेरीफाई कर रहे हैं कि इंक मिली नहीं मिली, इंक की कोई बाल्टी मिसिंग तो नहीं है, और उसकी लोकेशन भी बताते जा रहे हैं कि वो किस अलमारी में है, किस शेल्फ में है। फ्लोर एंड टेकिंग फिजिकल मंथली और वीकली एंड सी द कंपेरिजन रिपोर्ट इन द ERP। तो देख रहे हैं सतीश जी कैसे स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे, और सारी रीलों को स्कैन करते जा रहे हैं बहुत फास्ट। देखे अभी तक इन्होंने 20 से 25 रील स्कैन कर लिया है और सिस्टम के अंदर रेडीमेड रिपोर्ट इसमें बनता जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इनके पास ऐप आ गया है, सारा रील इन्होंने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद सेव का बटन दबा दिया, प्रेस सेव बटन, तो डाटा सेव हो रहा है और इसका कंपैरिजन का रिपोर्ट सिस्टम के अंदर बन जाएगा। और ये तीसरा मेथड है जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर लैपटॉप जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, उस सामने 5-10 मीटर दूर जो भाई साहब खड़े हैं स्टोर वाले जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके स्कैनर से, उनका स्कैनर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है मेरे लैपटॉप से,
और वो स्कैन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और मेरे स्क्रीन अपडेट होता जा रहा है होता जा रहा है। जितनी बार वो ट्रिगर दबाएंगे उतनी बार मेरे स्क्रीन पे एकदम से कुछ हरकत होगी और स्क्रीन उस जगह पे पहुंच जाएगा जौन सी आइटम उसे मिल गई, मिल गई, और उसकी अटेंडेंस लगा देगा फाउंड, इतने बज के इतने सेकंड पे इस बंदे को मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मतलब मिल गई, शाबाश, ये रील खोई नहीं, ये इंक खोई नहीं, गायब नहीं हुई, कोई लेके नहीं गया, चोरी नहीं हुई, वेस्ट नहीं हुई, बल्ले बल्ले। सबसे बेस्ट मेथड है स्कैन करके बारकोड से वेरिफिकेशन करो और ओके यस नो करते जाओ, सबसे बेस्ट है। उसकी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, 40 सेकंड की वीडियो भी अशोक मौर्या की जो थी। इसी तरह एक ब्लूटूथ वाली है कि ब्लूटूथ से किस तरह स्कैनर अटैच होता है, और जो एक्सेल अपलोड है ये भी है। तो अगर आपको लगता है नहीं भैया मेरे लोग को मैं पहले प्रिंटआउट दूंगा वो टिक करेंगे, टिक करके मैं एक्सेल को अपडेट करके फिर अपलोड करूंगा, वो भी कर सकते हैं, साथ साथ स्क्रीन पे कर लें, सबसे बेस्ट है। कैसे भी करें करें, करना है करना है करना है। थैंक यू।